केचुआ ये वो एसिनिया फेटिडिया होता है, ऑस्ट्रेलियन ब्रीड है ये। हाँ जी। ये वेस्ट को खाता है प्लस कन्वर्ट कर देता है, वेजिटेबल वेस्ट हो गया, किचन वेस्ट हो गया, गाय का गोबर हो गया, जो भी इसको वेस्ट मिलेगा उसको वो खा जाएगा। ऐसी ब्रीड है कि केचुआ जो है शुरू से किसान को पता है कि उसका मित्र होता है ये, लेकिन ऐसा मित्र है जो वरदान साबित हो रहा है। रेड रिंगलर टाइगर बम भी बोलते हैं इसको। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, ये देखिए, ये बिल्कुल चाय पत्ती की तरह होता है, बिल्कुल 100% प्योर। ढाई साल पहले ये अनार लगाया था। ओके। ये कंधारी अनार है, बिल्कुल ग्रो कर चुके हम। ये लगभग इतना बड़ा बड़ा हो जाता है। देख पा रहे हैं यहाँ पे बेड बने हुए हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चला चले, फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पे। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है। मैं आया था अलीपुर अपने किसी फ्रेंड के पास और रास्ते में जाते जाते मैंने देखा यहाँ पे काफी सारे खेत थे और उसी बीच में मैंने देखा कि वर्मी कंपोस्ट का प्रोडक्शन हो रहा था। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट बनाई जा रही थी, तो मैंने वहाँ पे ऑनर से रिक्वेस्ट करी है कि भैया हमारे चैनल पे प्लीज इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दें कि आप वर्मी कंपोस्ट कैसे बनाते हैं, कब से बना रहे हैं और इसे आप कहाँ कहाँ पे सप्लाई करते हैं, कौन कौन सी पैकिंग में आपके पास अवेलेबल है, क्या क्या साइजेस रहते हैं। तो आज की वीडियो फ्रेंड इस पे रहने वाली है और आपको भी काफी इंटरेस्टिंग लगेगी क्योंकि आज की वीडियो में आप देखने वाले हैं कि आखिर वर्मी कंपोस्ट कैसे बनाई जाती है। तो सारा का सारा प्रोसेस हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, स्किप करते हैं तो काफी सारी इन्फॉर्मेशन छूट जाती है। तो चलिए बिना देरी शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों फाइनली हमारे साथ है देवभूमि वर्मी कंपोस्ट के ऑनर, तो बात करते हैं सर से। सर नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार, बहुत बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच सर हमारे चैनल पे आने के लिए और हमारे व्यूअर्स को इन्फॉर्मेशन देने के लिए। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आप वर्मी कंपोस्ट का बिजनेस कब से कर रहे हैं। देखिए संदीप जी, हमें 4 साल हो गए हैं ये वर्मी कंपोस्टिंग का काम करते हुए, बहुत अच्छे से रन कर रहे हैं। जब स्टार्ट किया था कुछ भी नहीं पता था, अच्छे से धीरे धीरे करके हमें सब कुछ ये पता चला। फार्मर्स के ऊपर विजिट करा हमने, फार्मर को क्या नीड है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी, कैसे कैसे वो ट्रैप में फंसता जा रहा है, क्योंकि यूरिया DAP ये सब कुछ डाल डाल के किसान खुद भी परेशान हो चुका है, तो उसकी वजह से हम थोड़ा सा इसकी तरफ गए। प्लस जो गौशाला का जो वेस्ट है, जो गोबर जिसको हम बोलते हैं, उसकी बहुत ज़्यादा कदर खत्म हो चुकी है। प्लस उसके ऊपर जो जो काम हो रहे हैं उसके रिकॉर्डिंग हमने सोचा कि यार कुछ काम करें उसके ऊपर हम। तो सर मैं एक और चीज आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे कि आप वर्मी कंपोस्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो काफी सारे किसान भी आपसे लेते होंगे, लेकिन मैं एक इन्फॉर्मेशन लेना चाहूंगा अपने व्यूअर्स के लिए ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए कि अगर हम एक पर्टिकुलर लैंड में फार्मिंग करते हैं यूरिया से और बाकी जो DAP वगैरह यूज करते हैं उसमें जो खर्चे आते हैं और फिर जब हम वर्मी कंपोस्ट यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं ये रीजनेबल है या फिर ये महंगा पड़ता है, कैसा है? संदीप भैया बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा किसान के लिए, टेरिस गार्डनर वालों के लिए भी, जितनी भी जनता इस टाइम देख रही है, जो आपके व्यूअर्स देख रहे हैं, अगर कोई भी किसान, कोई भी टेरिस गार्डनिंग वाले तो पता ही है कि वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, वो थोड़ा अवेयर हो चुके हैं, किसान भी बहुत अवेयर हो चुके हैं, लेकिन जो आज की डेट में अगर ऑर्गेनिक के ऊपर जा रहा है उनको अच्छे से पता है कि हमारा भविष्य क्या है, और भविष्य के हिसाब से अगर वो ऑर्गेनिक पे अगर आज मूव ना किया तो बड़ी उसको मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। उसकी आज किसान कर्जे में, संदीप भैया हाँ जी, आज किसान कर्जे में जा चुका है, उनकी उसकी जमीनें कर्जे के अंदर हैं, वो आत्महत्या कर रहा है, वो आप सब जानते ही हैं, पब्लिक को कुछ छुपाने की बात ही नहीं है। लेकिन अगर आज वो ऑर्गेनिक के ऊपर जाता है, एक यूरिया का कट्टा आज की डेट में 300 रुपये का हो चुका है, DAP का कट्टा आज की डेट में 1300 रुपये का हो चुका है, जो अगले आने 2024 में 1700 रुपये की न्यूज़ है कि 1700 रुपये का हो जाएगा। तो एक एकड़ जमीन की अगर मैं बात करूं, एक एकड़ में आज के डेट में अगर कोई भी अगर वो 3 महीने की क्रॉप लेता है या 2 महीने की क्रॉप लेता है तो उसको 2 कट्टे 3 कट्टे तो वो डालने पड़ते हैं, प्लस यूरिया डालना पड़ता है और जितने भी इंजाइम्स उसको डालने पड़ते हैं, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया, ये अलग से उसको और डालना पड़ता है, तो खर्चा बहुत ज़्यादा है उसके बिहाफ पे। अगर ट्रैप जो है वो बहुत ही बड़ा ट्रैप है, ये बहुत करोड़ों रुपये का व्यापार है,
एक छोटा मोटा व्यापार नहीं, कृषि प्रधान देश है हमारा भारत, इसमें आज भी लोग धरती से जुड़े हुए हैं, लेकिन धरती से जुड़ने के बाद वो जहर खा रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। अगर वो आत्महत्या ना करें, संपन्न होना चाहते हैं, तो उनको ऑर्गेनिक पे आना ही पड़ेगा। जैसे हम पहले खेती कर रहे थे, आज उसी ट्रैप पे हमें आना पड़ेगा। गौ आधारित हमें खेती करनी पड़ेगी, आपको गौवंश रखना पड़ेगा। आज शहरों में तो गौवंश खत्म ही हो गया, उनके लिए हम वर्मी कंपोस्टिंग कर रहे हैं। जो किसानों के पास छोटी जमीनें हैं वो हमसे वर्मी कंपोस्टिंग लें, वर्मी खाद लें। जो केचुआ बना रहा है, केचुआ 24 घंटे उसको काम करता है, आप थोड़ी सी जगह में अपना उसको शुरू कर सकते हैं। ये तो हमारा बहुत लार्ज स्केल पे हो रहा है। आप जो ये वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं, मैक्सिमम जो किसान है वो आपसे लेके जाते हैं? मैक्सिमम किसान लेके जाते हैं, बागवान जितने भी आज की डेट में बाग इस टाइम रन कर रहे हैं, जो भी नए बाग लगा रहे हैं, उनको अच्छे से पता है कि भविष्य में हमें ऑर्गेनिक के ऊपर शिफ्ट होना पड़ेगा, क्योंकि एक्सपोर्ट हो जाता है। अगर 3 साल आपने, अगर हमने आज पौधा लगाया, जैसे मान लीजिए कोई भी अमरूद का हम पौधा लाए और उसको हमने तैयार किया 3 साल के अंदर, 3 साल में वो फ्रूट, 2 साल में फ्रूटिंग पे आ जाता है वैसे तो वो, अगर वो 3 साल में अगर वो फ्रूटिंग क्योर अपनी मेच्योरिटी पे आता है तो वो 3 साल ऑर्गेनिक में काउंट हो जाएगा, वो ऑर्गेनिक में काउंट हो जाएगा, प्लस वो एक्सपोर्ट कर सकता है उसको। एक्सपोर्ट का अगर वो करे, नहीं तो अगर जो लोकल आपकी मंडी भाव है वो भी ऊंचे मिलते ही है, ऐसी बात नहीं है। आप ऑर्गेनिक तो ऑर्गेनिक ही, हर कोई जानता ही है, ऑर्गेनिक के तो और भी अच्छे प्राइस, बिल्कुल बिल्कुल काफी अच्छा रहता है, बिल्कुल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सर से देखेंगे कि ये प्रोडक्शन कैसे करते हैं, क्या प्रोसेस होता है, क्योंकि हम जब नर्सरी जाते हैं वहाँ से तो हम 5 किलो 10 किलो के कट्टे लेकर आते हैं, लेकिन एक्चुअली में उन्हें पैक कैसे किया जाता है, उसकी प्रोडक्शन कैसे होती है, ये हम सर से जानने की कोशिश करेंगे। और सर, नर्सरी को भी देते हैं सर आप? नर्सरीज को भी देते हैं तो किसानों को भी देते हैं, नर्सरीज को भी देते हैं। तो मेरे चैनल पर तो काफ़ी सारी नर्सरीज की वीडियो मैंने डाली हुई है, तो जो भी नर्सरी वाले देख रहे हैं, अगर आप लेना चाहें इनसे तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, दिल्ली के अंदर ही मिल जाएगा, दिल्ली में तो काफ़ी सारी नर्सरी हैं वो भी कर सकती हैं। प्लस में सर मेरे काफी सारे व्यूअर्स हैं जो कि रिटेल में लेना चाहेंगे, तो कुछ है सुविधा उनके लिए? संदीप भैया, रिटेल में थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। हाँ जी, हमारी कोशिश यही रहेगी, जो भी आप नर्सरीज पे विजिट करते हैं, देखिए टारगेट तो देखिए एंड में वही है। हाँ। क्योंकि आप इतनी दूर हमारे पास नहीं आ सकते 10 किलो लेने। हाँ जी। तो हमारी पूरी कोशिश यही रहेगी, जो संदीप भैया अगर नर्सरीज जो टारगेट कर रहे हैं उन नर्सरीज तक हम ये पहुंचा दें। लकली ये चांस के बाद इनके फ्रेंड के पास ये आए थे और ये हमारे पास विजिट कर पा रहे हैं, नहीं तो हमें जरूरत नहीं पड़ती, हमारे पास माल ही नहीं होता है, सीधी बात तो ये है, हम नर्सरीज तक कैसे पहुंचेंगे। बाकी हमारे पास लोकल डिमांड रहती है। अगर कोई व्यूअर आपसे क्वांटिटी में लेना चाहे, जैसे 10 किलो 20 किलो 40 किलो ऐसे मिल सकता है आपके चैनल के माध्यम से? अगर कोई ऑर्डर आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, हम पहुंचाएंगे, ऐसी अच्छा, कोई बात नहीं। जो कुरियर चार्जेस वगैरह हैं वो उनको पे करना पड़ेगा, कुरियर चार्जेस उनको। सिर्फ फर्क यही है, नर्सरीज में 100% आज की डेट में वर्मी कंपोस्ट नहीं मिलता। हाँ जी, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं तो देख रहा हूँ कि यहाँ पे बन रहा है, तो कहीं ना कहीं क्वालिटी मिल रही है, बिल्कुल। तो मैं इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कोई अगर व्यूअर हमारे लेना चाहे जो भी, क्योंकि जो भी मिथ है जो नर्सरीज के, वो मैं आज आपको क्लियर कर देता हूँ कि नर्सरीज के अंदर जो भी 50 रुपए का पैकेट आपको देता है वर्मी कम्पोस्ट का, वो वर्मी कम्पोस्ट नहीं होता, वो खाद नहीं होती, वो बायो की सैलरी होती है, जिसको छान कर आप तक भेज दिया जाता है, उसका कोई रिजल्ट नहीं होता, आपके महंगे महंगे पौधे वो मर जाते हैं, और इसका रिजल्ट जो आएगा वो 100% आने वाला है, बेटर होने। देखिए ये नेचुरल प्रोसेस है, इसमें 3 महीने लगते हैं, केचुआ हम डालते हैं उसके अंदर, केचुआ उसको खाएगा, जो केचुआ उसके बाद जो वेस्ट निकालेगा वो वर्मी कंपोस्ट है, वो खाद है, उससे बेहतरीन खाद कोई भी नहीं है। 16 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स से ज़्यादा भरा पड़ा है, नाइट्रोजन की कमी पूरी कर देता है, और भी बहुत चीजें इसमें अवेलेबल है, आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं। जो इनका कॉन्टेक्ट नंबर है और जो एड्रेस है वो दोनों चीजें मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, अगर आप आसपास रहते हैं तो बहुत ही अच्छा, आप विजिट करके ले सकते हो। बाकी इनका जो कॉन्टेक्ट नंबर है उस पर आप कॉल ना करें, ओनली व्हाट्सअप करें, क्योंकि कॉल करने में कई बार जो ऑनर होते हैं वो पिक नहीं कर पाते, तो आप ओनली व्हाट्सअप करें, मैसेज डाल दें। आपको अगर 30-40 किलो के आसपास की रिक्वायरमेंट है, 20 किलो के आसपास जो भी है, तो किराया वगैरह आपको अलग से देना होगा, जैसे कि आजकल पॉटर वगैरह चल रहे हैं तो पॉटर से आप भेज देंगे, बिल्कुल, तो उसके लिए आपको अलग से किराया पे करना होगा, और एक क्वांटिटी आप अच्छी देंगे तो भी आपको सेंड कर सकते हैं, तो इजीली आप इनसे बाय कर लीजिएगा। बाकी अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आखिर कैसे बनती है वर्मी कंपोस्ट। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो हेमंत जी, हमारे व्यूअर्स को बताना स्टार्ट करिए कि आखिर आप कैसे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वर्मी कंपोस्ट की। देखिए संदीप भैया, आपको जानकारी दूं मैं, ये मेरी सेकंड यूनिट है। ओके, अभी हम पहली यूनिट के ऊपर भी चलेंगे। हाँ जी, ये मेरी सेकंड यूनिट है, ये आप पीछे मेरे देख रहे हैं कि गौशाला से हमने ये सारा
गाय का गोबर जो है ये सारा मंगवा लिया है। हाँ जी। अब ये पीछे आप जो लैंड देख रहे हैं आप दिखाइए एक बार, ये लैंड ये सारे यहाँ पे बेड बनेंगे, इस पे पहले पॉलिथीन बिछाई जाएगी। ओके। पॉलिथीन बिछा के इसके ऊपर सारे बेड बनाए जाएंगे, बेड में आपको दिखाऊंगा कैसे बनते हैं। ओके। ये सारा जो स्टेप गोबर पड़ा हुआ है ये स्टेप बाय स्टेप सारे बनते रहेंगे बेड, उसके ऊपर केचुआ सारा छोड़ा जाएगा। ओके। उस केचुए के बाद उनके ऊपर पलाली ढक दी जाएगी, डेली उसके ऊपर वाटरिंग होगी, उसके हर 15 दिन के बाद उसके बाद वहां से उतारा जाएगा, उतार के फिर छाना जाएगा, वो सब प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगा अभी। बिल्कुल। तो फ्रेंड्स ये तो सर ने बताया कि ये जो अभी अपना आने वाली तैयारी है, अलग से भी इन्होंने लैंड ले लिया है जहाँ पे बनाने वाले हैं, लेकिन अब कैसे बनाते हैं ये हम प्रैक्टिकली देखना शुरू करते हैं। चलिए सर, ये जो पीछे आप स्टॉक देख रहे हैं ये सारा जो स्टॉक है ये बेडों के ऊपर से उतार हो चुका है, जो हम यहाँ पे लाके रख दिया गया, क्योंकि अब यहाँ पे सारा प्रोसेस इस वाले लैंड पे शुरू हो जाएगा, तो इस बार स्टोर हमने यहाँ पे करवाया, जैसे जैसे ऑर्डर आता जाएगा हम छान के भिजवाते जाएंगे। दिव्या ये जैसे स्टॉक पड़ा हुआ है ये कल सुबह जाना है मेरे पास। अच्छा। ये हमारे साथ राजस्थान का ऑर्डर है। ओके। एक भाई साहब है उन्होंने बाग लगाया अमरूद का 1.5 एकड़ में, तो ये लगभग स्टॉक उनके पास जाना है। ओके। पीछे दो जो पीछे आप ब्लू ब्लू देख रहे हैं वो भी 3 बंदों का स्टॉक रेडी हुआ पड़ा। ओके। वो उनका बस वेट हो रहा है कि बस वो ओके करेंगे हम भिजवा देंगे। ओके। तो मतलब आप ऑल ओवर इंडिया सप्लाई करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जम्मू कश्मीर हमारा माल जाता है, शिमला जाता है, मनाली जाता है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट तो हम बहुत ज्यादा कवर करते हैं। ओके। किसान को समझाना थोड़ा मुश्किल होता है, वो अभी भी ट्रैप में फंसा हुआ है यूरिया और डीएपी के चक्कर में। हाँ जी, लेकिन जितना भी हॉर्टिकल्चर है बागबानी जो करते हैं उनको पता है कि फ्यूचर किस चीज का, ऑर्गेनिक का ही फ्यूचर है। दिव्या अब ये हम आ गए अपनी पहली वाली यूनिट के ऊपर जो 3 साल पहले हमने स्टार्ट करी थी, इसके ऊपर हम अभी यहाँ से मूव ऑन कर रहे हैं जहाँ से अभी हम आ रहे हैं सेकंड यूनिट पे। ओके। तो ये हमारी फर्स्ट यूनिट है, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बेड बने हुए हैं, बेड से उतार होता रहता है। ओके। यहाँ पे लेबर सिस्टम अवेलेबल है वहाँ पे जो उतार कर रही है, मैं आपको दिखाऊंगा प्रोसेस इसका। हाँ जी। इसके ऊपर पराली ढक दी जाती है, डेली इसके ऊपर वाटरिंग होती है। ओके। हर 15 दिन के बाद उतारा जाता है, देख पा रहे होंगे आप थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे उतरता जाता है। अच्छा, ये उतार के रखा जाता है। संदीप ये देखो मैं आपको ये बेड जैसे बना हुआ है इसमें प्रोसेस दिखाता हूँ ये कैसे बन रहा है। ओके। प्रोसेस ये होता है कि जैसे हमने 2.5 महीने पहले ये लगभग बेड बनाया था। हाँ जी। 2.5 महीने पहले बेड बना के इसके हमने ऊपर केचुआ छोड़ दिया, जो केचुआ ये वो एसिनिया फेटिडिया होता है, ऑस्ट्रेलियन ब्रीड है ये। हाँ जी। ये वेस्ट को खाता है प्लस कन्वर्ट कर देता है, वेजिटेबल वेस्ट हो गया, किचन वेस्ट हो गया, गाय का गोबर हो गया, जो भी इसको वेस्ट मिलेगा उसको वो खा जाएगा। ओके। कैसे ये वर्क करता है देखिए, 24 घंटे खाता है। अच्छा। एक ऐसी मशीनरी है जो 24 घंटे खाती है। ये देख रहे हैं जो आप, ये देखिए फ्रेंड्स, तो ये वो ब्रीड है जो कि 24 घंटे खाती रहती है। ये इतनी मेहनती ब्रीड होती है संदीप भैया जो 24 घंटे काम करती है। हाँ जी। ऐसी कोई ब्रीड नहीं है जो 24 घंटे काम करे इंसान के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये ऐसी ब्रीड है कि केचुआ जो है शुरू से किसान को पता है कि उसका मित्र होता है ये, लेकिन ऐसा मित्र है जो वरदान साबित हो रहा है, जो हर वेस्ट को खा के कन्वर्ट कर देता है। रेड रिंगलर टाइगर वर्म भी बोलते हैं इसको, प्रजाति तो बहुत है लेकिन ये बहुत बढ़िया प्रजाति है जो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, अब तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो चुकी है ये इंडिया के अंदर। आइए मैं आपको आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। देखिए संदीप जी ये प्रोसेस है, सबसे पहले जो हमने उतार वहाँ पे बेड से उतार कर लिया, उतार करने के बाद ये यहाँ पे मशीन में डाला जाएगा जिसको छन्ना मशीन बोलते हैं, यहाँ से डाल दिया, उसके बाद ये प्रोसेस हो जाएगी, प्रोसेस होके यहाँ से नीचे आ जाएगी, नीचे आके जो ये फाइनल प्रोडक्ट होगा, ये जो फाइनल प्रोडक्ट होगा ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, ये देखिए ये बिल्कुल चाय पत्ती की तरह होता है, बिल्कुल 100% प्योर ऑर्गेनिक होता है। हाँ जी। उसके बाद देखिए प्रोसेस ये होता है, उसके बाद हम ये पैकिंग करवाते हैं, ये हमारा ट्रेडमार्क है देव भूमि वर्मी कंपोस्ट के नाम से। ओके। कंपनी रजिस्टर्ड बाय देव इको वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी काम कर रही है इसके पीछे। हाँ जी। मैं इस कंपनी का फाउंडर हूँ। ओके। हेमंत कुमार। उसके बाद ये प्रोसेस है, हम वेट करते हैं,
वेट करने के बाद 5 kg जो भी रिक्वायरमेंट होती है, 5 kg, 10 kg, 50 kg, एज पर जो रिक्वायरमेंट होती है वो हम पैक करके भेज देते हैं। ये हमारा फाइनल प्रोसेस है सारा। संदीप जी देखिए, अब मैं आपको लेके आया अपने स्टॉक गोडाउन में। यहाँ पे हमारा सारा स्टॉक होता है, जितना माल पैक होता है। यहाँ पे हमने ये झोपड़ी बना रखी है, क्योंकि ये परमानेंट जगह तो नहीं है हमारी। हाँ जी, ये परमानेंट जगह है नहीं हमारी, तो ये हमने झोपड़ी बना रखी है। जितना भी स्टॉक रेडी होता है ये हम यहाँ स्टोर कर देते हैं। यहाँ पे एक लड़का रात को सोता भी है उसकी चौकीदारी करने के लिए। हाँ जी, बाकी हम यहाँ पे प्रोसेस अगर देखेंगे तो 5 किलो में हमारे पास माल अवेलेबल होता है, 40 किलो में होता है। जो भी नर्सरी वाले होते हैं उनको माल भिजवा देते हैं हाथों हाथ जैसे ही ऑर्डर आता है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए, 40 किलो का पैकेट रखा हुआ है, 5 किलो का पैकेट रखा है, और ये 10 किलो का भी है सर। तो 10 किलो, 5 किलो और 40 किलो, इसके अलावा 1 किलो के भी होते हैं पैकेट। 1 किलो का अगर कोई हमको ऑर्डर करता है तो सिर्फ ऑर्डर पे ही पैक करवाते हैं, उसका जो एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं वो उसको पे करने होते हैं। बहुत नर्सरी वाले 1 किलो माल बेचते हैं, क्योंकि हर किसी के घर में सिर्फ कोई तुलसी लगाता है तो वो सिर्फ उसको 1 किलो की ही नीड पड़ती है। तो आपके पास 1 किलो भी मिल जाएगा, 5 किलो भी मिलेगा, 10 किलो भी, 40 किलो भी, एज पर जो उसको चाहिए होगा, जो पैकिंग चाहिए होगी, जो अवेलेबल हमारे पास होगी, हाँ जी, वो हम उसको प्रोवाइड करा देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, इस टाइप से फाइनल जो स्टॉक है रेडी करके यहाँ पे रखा हुआ है। तो जो भी नर्सरी वाले हैं वो भैया से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और जो जिस भी पैकिंग में आपको स्टॉक चाहिए उस पैकिंग में आपको स्टॉक यहाँ से मिल जाएगा। संदीप भैया देखो, 2 साल पहले हमने ये ताइवान पिंक है इसकी ब्राइट के नाम, ताइवान पिंक लगवाया था 2 साल पहले। इसकी अब फ्रूटिंग में आपको दिखाता हूँ, बिल्कुल 100% ऑर्गेनिक है। इस तरह हमारा खाद डाला है इसमें। अच्छा, जो आपकी वाली खाद है। हाँ, किसी भी टाइप का पेस्टिसाइड नहीं लगाया। ये आप इसकी साइज देख सकते हैं, ये लगभग 1 महीने का अभी साइज बना है इसका। ये लगभग इतना बड़ा बड़ा हो जाता है। तो लास्ट ईयर हमने काफी खाया था, काफी। ये देखिए फ्रेंड, काफी क्वांटिटी है इसमें, तो फ्रूट काफी क्वांटिटी में आ रहे हैं। तो मतलब खाद का जो रिजल्ट है वो भी आपको साथ साथ दिखा रहे हैं कि 2 साल में इतना बड़ा जो पेड़ है वो तैयार हुआ है और जमीन में ही लगाया हुआ है इसको, और जो फ्रूटिंग है वो काफी अच्छी हो रही है इस पे। ये लगभग 2.5 साल पहले ये अनार लगाया था। ये कंधारी अनार है, बिल्कुल ग्रो कर चुके हैं हम, बहुत ही लाल रंग का इसमें फल आता है। अभी तोड़ोगे ना? अभी लगभग ऑफ सीजन है, ऑफ सीजन के हिसाब से भी आप फ्लावरिंग देख सकते हैं कितनी है। काफी सारे फ्लावरिंग भी है, काफी सारे फ्रूट्स भी है इस पे, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है फ्रेंड। देखिए 100% ऑर्गेनिक है संदीप भैया। अच्छा, इसमें किसी भी टाइप का पेस्टिसाइड नहीं है, 100% ऑर्गेनिक। आप ये देखिए, लौकी देखिए, यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ वर्मी कंपोस्ट इसमें डाली है। आप इसका साइज देखिए। अच्छा, ये वर्मी कंपोस्ट आपने जो यूज करी जी, और ये रिजल्ट है इसका 100% ऑर्गेनिक। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, और काफी हेल्दी है, प्लांट भी काफी हेल्दी है, फ्रूट भी काफी हेल्दी है। ये सिर्फ दिखाने के लिए कि हो सकता है। आप इसकी लेंथ देखिए भैया। मैं आपके जानकारी देना चाहूंगा आपके व्यूअर्स को, जो नर्सरीज वाले हैं, किसान हैं, वो अगर हमारा इस दिवाली का टारगेट पूरा करते हैं, हर महीने का टारगेट दिया जाएगा, 100 कट्टे के ऊपर अलग टारगेट है, 200 कट्टे पे अलग टारगेट है, 500 कट्टे पे अलग टारगेट है। अगर वो टारगेट अचीव कर लेते हैं तो बहुत ही बढ़िया बम्पर प्राइस दिया जाएगा उनको इस दिवाली पे। तो कोशिश कीजिएगा, हमसे संपर्क करिए, स्पेशली फॉर किस जो हमारा फार्मर है वो ऑफर्स के उसको बेट रहेगा इस दिवाली पे, बहुत अच्छा बम्पर प्राइस मिलने वाला है उसको। तो फ्रेंड्स, आपको जैसे कि नर्सरी वाले हैं जो फार्मिंग करते हैं, दोनों के लिए भैया ने ऑफर निकाला है, तो आप इजीली इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑफर वगैरह जानने के लिए आप इनसे कांटेक्ट करें, फोन करके आप बात कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको मैंने पूरा का पूरा प्रोसेस दिखा दिया कि आखिर वर्मी कंपोस्ट जो कि आप नर्सरी से बाय करते थे उसे आखिर मैन्युफैक्चर कैसे किया जाता है इतने बड़े लेवल पे, और यहाँ से काफी सारे फार्मर्स भी लेके जाते हैं, कई सारे नर्सरी वाले भी लेके जाते हैं यहाँ से, और साथ ही में जैसे कि मैंने भैया से रिक्वेस्ट करी थी कि आपको रिटेल में दे दें, तो 20 से 40 किलो के आसपास अगर आप मंगाना चाहते हैं दिल्ली NCR से अपने घर पे मंगवाना चाहते हैं तो आप इजीली मंगा सकते हैं, और बाकी बहुत ही जल्दी ऑनलाइन भी आ रहे हैं, तो भैया ऑनलाइन के बारे में आप थोड़ा सा बताइए व्यूअर्स को। देखिए, विद इन 20 डेज के अंदर अमेजोन पे अवेलेबल हो जाएंगे हम, मीशो पे अवेलेबल हो जाएंगे, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल हो जाएंगे, वहाँ पे भी जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। कोशिश करिएगा कॉल मत कीजिएगा, हम फोन उठा नहीं पाते हैं जल्दी से, क्योंकि बहुत ज्यादा मामला शेड्यूल हमारा बिजी होता है। आप एक मैसेज डाल दें, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा, लड़के हमारी जो टीम है पूरी आपको हर सहारा देगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं, रिप्लाई मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो फ्रेंड जैसे कि भैया ने बोला कि अगले 20 दिन में ये ऑनलाइन भी आ जाएंगे, हो सकता है ये वीडियो आप आज से महीने भर बाद, 2 साल के बाद, 1 साल के बाद, जब भी आप देख रहे हैं तो ये ऑनलाइन होंगे, तो आप डायरेक्टली जाके अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे सर्च करना देवभूमि वर्मी कंपोस्ट। जी, देवभूमि वर्मी कंपोस्ट आप वहाँ पे सर्च करेंगे तो आपके सामने लिस्टिंग आ जाएगी, और वहाँ पे आप इजीली ऑर्डर कर पाएंगे। फिलहाल के लिए जब तक ये ऑनलाइन नहीं दिखाई देंगे आपको, तो आप हमारे चैनल के थ्रू इनसे ऑर्डर कर सकते हैं। बिल्कुल, जो भी इनका नंबर है डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पे आप इन्हें व्हाट्सअप करिए, इनका एड्रेस भी मैंने डाल दिया, अगर आप अलीपुर के आसपास रहते हैं तो विजिट करके भी ले सकते हैं, यहाँ पे कोई ना कोई स्टाफ रहेगा जो कि आपको इजीली दे देगा, और इनके जो पैकेट्स होते हैं हमेशा यहाँ पे अवेलेबल होते हैं,
5 किलो 10 किलो और 40 किलो की पैकिंग हमेशा अवेलेबल रहती है, तो इजीली आप यहाँ पे आके इनसे ले सकते हैं। फ्रेंड्स जल्दी मेरे चैनल पे आपको मशरूम फार्मिंग भी देखने को मिलने वाली है, एक या दो महीने के बाद मैं विजिट करूंगा और मशरूम फार्मिंग भी आपको दिखाऊंगा। तो अगर आप ऐसे ही गार्डनिंग वीडियोज देखना पसंद करते हैं, नर्सरी वीडियो देखना पसंद करते हैं और कुछ कुछ मैं सोच रहा हूँ फार्मिंग वीडियोज भी अपने चैनल पर डाली जाए, तो आप सजेस्ट करिएगा, कमेंट करेंगे तो मैं कुछ कुछ फार्मिंग वीडियोज भी अपने चैनल पर डालूंगा। और जो व्यूअर नए हैं मैं उन्हें बता दूं कि हर दिन सुबह 10 बजे मेरे चैनल पर ऐसी वीडियो अपलोड होती रहती है, तो ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब, साथ ही बने बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि जब तक आप बेल आइकन पर क्लिक नहीं करेंगे आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा और आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सी न्यू वीडियो मेरे चैनल पर आई है। तो बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो वहाँ भी फॉलो करें, जल्दी हमारे 10,000 फॉलोअर इंस्टाग्राम पर कंप्लीट होने वाले हैं, तो आप भी हमारी फैमिली का हिस्सा बने इंस्टाग्राम पर भी। तो फ्रेंड मिलता हूँ ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।